वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आज का टॉपिक आप क्या है अम्यूनिटी एंड एमोनोलॉजिकल परसपै परसपैक्शन ओके आर यू कैन से अमोनोलॉजिकल प्रेपरेशन ओके सो सबसे पहले जो पॉइंट आता है आपका अम्यूनोलॉजी ठीक है तो अमीनोलॉजी किसको बोलोगे ठीक है तो अम्यूनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे अम्यूनिटी ठीक है तो स्टडी ऑफ अम्यूनिटी इज कॉल्ड अम्यूनोलॉजी ठीक है ये आपका पहला पॉइंट हो गया सेकेंड पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है अम्यूनिटी क्या होता है ठीक है जैसा कि आपका आपका जो टॉपिक है क्या है इम्यूनिटी ठीक है तो इम्यूनिटी क्या है द पावर ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम इज नोन एज एम्यूनिटी ठीक है रेसिस्ट मतलब क्या है आ, मतलब क्या है कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक मीन्स होता है जो डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपकी अगर बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाएंगे देन इट इट विल प्रोड्यूस द डिस ठीक है तो द पावर ऑफ आप बॉडी आपके जो बॉडी की पावर है जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वाइजन को रोकती है ठीक है इनवाइजन के प्रभाव को रोकती है वो क्या कहलाएगी इम्यूनिटी ठीक है जैसे हमारी इस ए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या हैं एंटीबॉडीज़ ठीक है तो जब कोई भी एंटीजन आएगा एंटीजन मीन्स क्या है कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जैसे आपका बैक्टीरिया फंगस कोई भी जब अटैक करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है एक एक अम्यूनिटी सिस्टम होता है ठीक है जो क्या प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़ की वो एंटीजन जो अंदर आ रहा है वो मतलब बाहर ही रहे अंदर नहीं आ पाए ठीक है तो इसमें क्या होता है कि आपका ए, जो पावर होती है अगर एंटीजन का एंटीजन ज़्यादा इफेक्टिव है ठीक है आपकी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं उससे तो आपका जो तो आपकी जो एंटी एंटीबॉडीज़ हैं ठीक है थीके? वो उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएंगी फाइट तो करेंगी बट उसमें क्या है ए, क्योंकि जो आपका एंटीजन है वो काफ़ी पावरफुल है ठीक है देन आपका इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तब तो उसको रोक रोक सकेगा अदरवाइज आप एंटीजन जो बाहर का है आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और एक पर्टिकुलर डिजीज काज करेगा ठीक है फिर के, तो इम्यूनिटी क्या है हमारी बॉडी के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता होती है जो लड़ने में सहायक है जो बाहर से ऑर्गेनिजम इंटर करते हैं ठीक है उनको इंटर नहीं होने देते ये कह लो ठीक है तो ये क्या हो गया इम्यूनिटी फिर आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी के लिए हैं पहला है फाइगोसाइटोसिस ठीक है फाइगोसाइटोसिस और दूसरा है एंटीबॉडीज फार्मेशन फाइगोसाइटोसिस किसको बोलोगे इट इज डिफाइन एज द इंजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम बाई सम सेल्स फिच ठीक है सम सेल्स फिच मे बी बिकम हार्मलेस मतलब क्या फैगोसाइटोसिस क्या है uh, इसमें क्या इंजेशन ऑफ सम इंजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है क्योंकि ये भी क्या है एक इम्यूनिटी का पार्ट है तो इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट तो आपके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं किल कर देती हैं ठीक है थीके? या इंजेशन कर देती हैं ठीक है थीके? उसको डाइजेस्ट कर देती हैं ठीक है ठीक है तो, तो इसको क्या बोलोगे फाइकोसाइटोसिस इट इज डिफाइन एज द इंजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय सम सेल्स बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम हार्मलेस ठीक है तो जब पर्टिकुलर सेल्स इंजेस्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा हार्मलेस मतलब आपको वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा ठीक है फाइगोसाइटोसिस इज कास्ट बाई डब्ल्यू बी सी एंड सेल्स ऑफ आर ई एस मतलब क्या है रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स ठीक है फाइगोसाइटिस फाइगोसाइटोसिस जो फिनमिननल है ये दो तरीके से काज हो सकता है फर्स्ट मनीस डब्ल्यू बी सीज आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डब्ल्यू बी सीज है दूसरा है सेल्स ऑफ आर ए सी आर ए सी मीन्स क्या होता है रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स तो ये भी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं फाइगोसाइटोसिस ठीक है फिर क्या है एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन ठीक है तो सेकेंड क्योंकि पहला आपका पॉइंट था फाइगोसाइटोसिस सेकेंड पॉइंट है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ठीक है तो बिसाइड्स फाइगोसाइटोसिस बॉडी आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ठीक है बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज फिश डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनजम ठीक है एंड देयर टॉक्सिंस क्या है एक तो फिनोमेना हो गया दूसरा क्या है एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर बनती हैं और वो कैपेबल uh, हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रक्शन में ठीक है एंड देयर टॉक्सिंस मतलब उनके द्वारा जो टॉक्सिंस प्रोड्यूस होते हैं उसको भी क्या करती है वो डिस्ट्रक्ट करती है ठीक है एंटीबॉडीज़ आर द सब्सटेंस फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एंटीजन जो भी एंटीजेंस हैं बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम आप पे अटैक करते हैं ठीक है वो एक्ट एज ए एंटीजन ठीक है तो एंटीबॉडीज़ का प्रोड्यूस होंगी जब कोई भी देखेंगे आपकी स्किन पे कोई भी आ, किसी भी माइक्रो ऑर्गेजम का जब अटैक होने वाला होता है मतलब स्टिमुलेशन जब भी पाएंगे एंटीजन का आपकी बॉडी सर्फेस पे तब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी ठीक है अब बात आती है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ठीक है अम्यूनिटी मतलब क्या है दो टाइप की इम्यूनिटी है फर्स्ट वन इज नेचुरल इम्यूनिटी दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी की जब भी बात करोगे गार्ड गिफ्टेड है दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है ड्यू टू एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ठीक है नेचुरल इम्यूनिटी क्या है गार्ड गिफ्टेड है और ये कौन में ये फर्दर डिवाइड है स्पिसीज डिजेज इंडिविजुअल एंड एज के अकॉर्डिंग ठीक है एक्वाइर्ड इम्यूनिटी क्या है ड्यू टू एंटीबॉडीज़ प्रोडिक्शन एंड इसमें क्या है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी ठीक है एक्टिव इम्यूनिटी क्या है स्लोली प्रोड्यूस होती हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग बहुत टाइम के लिए होती हैं पैसिव इम्यूनिटी जब भी हम बात करेंगे तो क्यूकली प्रोड्यूस होती हैं और शार्ट लिप्ड होती हैं ठीक है एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर डिड है नेचुरली एक्वाड एंड आर्टिफिस एकुॉयर्ड है ठीक है नेचुरली एक क्या होता है आफ्टर इन्फेक्शन ठीक है ठीक है तो नेचुरली एक्वाड़ मतलब आफ्टर इन्फेक्शन ये प्रोड्यूस होती है आर्टिफिशली बाई वैक्सीन जो हम वैक्सीन देते हैं वो कैसे होती एक्वायर्ड ठीक है पैसिव इम्यूनिटी की जब भी हम बात करेंगे तो क्विकली प्रोड्यूस और शार्ट ड्यू ये प्रोड्यूस होंगी कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम के लिए ही काम करेंगी ठीक है फिर क्या होता है नेचुरली नेचुरली एक्वायर्ड ठीक है नेचुरली एक्वायर्ड क्या होता है फ्रॉम मदर ठीक है जैसे आपकी मदर से जो इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं नेचुरली एक्वायर्ड Required, किसको बोलोगे बाई सीरम प्रिपरेशन ठीक है प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज तो बहुत सारी ए, क्या होते हैं सीरम मतलब सीरम प्रिपरेशन सीरम क्या करती हैं इट एक्ट एज एंटीबॉडीज ठीक है प्रिपेर्ड एंटीबॉडीज़ नीचे इन्होंने मेंशन भी किया है फिर आता है नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है इट इज गाड गिप्टेड प्रोड्यूस रेजिटेंट टू डिसीज ठीक है गाड गिफ्टेड होती है और हेल्प करती हैं डिसीज को कम करने में स्पीसीज की जब भी बात करेंगे टाइफाइड आकारिन मैन नॉट इन माइस ठीक है टाइफाइड क्या है इस्पीसीज यहाँ पे जो नेचुरल इम्यूनिटी की बात की अपने स्पीस स्पेसिफिक की बात की है ठीक है और स्पीस स्पेसिफिक में क्या है टाइफाइड ठीक है टाइफाइड क्या है एक डिसीज काज बाई ए बैक्टीरियल डिसीज़ एंड इसमें क्या है एक मैन केवल मैन में होगी माइस में नहीं होगी ठीक है प्लैक प्लैक क्या आता है आकर इन मैन बट नॉट इन फॉल्स ठीक है प्लैक इसमें होगा मैन में होगा बट फॉल्वस में नहीं होता है ठीक है तो ये क्या होगा एक स्पेसीज स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसीज में ही होती हैं फिर सेकेंड हम बात करते हैं रेजिस की एलो एलोफीवर आकर्षित वाइट मैन वाइल्ड नेग्रोस आर रेसिस्ट मतलब कि एलोफीवर किस में होगा वाइट मैन में, में होगा जबकि नेग्रोस क्या है इससे रेसिस्टेंट करते हैं ठीक है थीके? फिर क्या है इंडिविजुअल सम परसन आर मोर रेसिस्टेंट टू कोल्ड कोल्ड एंड स्किन इन्फेक्शन देन अदर्स ठीक है इंडिविजुअल में क्या है कुछ पर्सन क्या है कोल्ड से रेसिस्टेंट है पर्सन क्या है हैल्ड स्किन इंफेक्शन मतलब क्या है uh, उनमें मतलब जो uh, आपका टम्परेचर uh, उनको ठंडा कम महसूस होता है ठीक है uh, कब मतलब हाँ रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड स्किन इंफेंशन मतलब कुछ रेसिस्टेंट होते हैं कोल्ड से और क्या है स्किन इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू अदर ठीक है एज की बात करते हैं तो डिप्टीरिया चिल्ड्रेन एज टू 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 फाइव ईयर्स ठीक है बट एडल्ट आर इम्यून टू इट ठीक है तो क्या है एज में डिप्थीरिया कहाँ डिप्थीरिया अकर्स इन चिल्ड्रेन डिप्टीरिया इज ए डिसीज़ बैक्टीरियल डिसीज़ वर्ल्ली अकर्स इन चिल्ड्रेन इन बिटवीन टू टू फाइव ईयर्स बट एडल्ट आर इम्यून टू इट मतलब एडल्ट में क्या होता है डिसीज़ नहीं होता है फिर होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी द इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाई एंटीबॉडीज ठीक है तो एक्वाड इम्यूनिट कैसे प्राप्त की एंटीबॉडीज़ के थ्रू इफ इट इज़ टू टाइप एक्टिव इम्यूनिटी इन ए पर्सन ड्यू टू फार्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाई इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन इन द बॉडी ठीक है तो एक्टिव इम्यूनिटी कब काम करेगी जब आप बाहर से कोई एंटीजन ठीक है आप एंटीजन दे रहे हो पेशेंट को ठीक है जैसे आप पोलियो पोलियो वैक्सीन्स हैं कोरोना वैक्सीन्स है ठीक है तो ये इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इसमें हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं एंटी ant, एंटीजन ant, को ठीक है तो उसके अगेंस्ट क्या करती हैं आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ठीक है फर्स्ट फिर है आपका एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट आप नेचुरल इन्फेक्शन बाई पैथो पैथोजेनिक माइक्रो आर्गनी ठीक है नेचुरल इम्यूनिटी क्या है रिजल्ट ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन बाई ठीक है जब आपको इन्फेक्शन होगा तभी ये कौन सी इम्यूनिटी होगी इम्यूनिटी आपके अंदर प्रोड्यूस होगी नेचुरल एकॉर्डिंग एक, एक, एक्टिव इम्यूनिटी ठीक है एग्जाम्पल्स की जब बात की है पैसेंट रिकवर्स फ्रॉम द डिस ठीक है कब जैसे स्मॉल पॉक्स एक बार आपको हो गई तो उसके अगेंस्ट क्या होता है स्मॉल पॉक्स इन द सेंस यू कैन से चेचक ठीक है उसमें क्या होता है जब भी जब आपको एक बार चेचक हो जाए सेकेंड चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपको एक बार वायरस आपके बॉडी के अंदर इंटर कर गया उस, उसके अंगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी कंजर्व है ठीक है आपकी बॉडी के अंदर तो देयर विल बी लेस चांसेस टू अकर फर्दर डिजीज ठीक है स्मॉल पॉक्स पोलियो डिप्थीरिया ठीक है तो ही सी बिकम्स इम्यून होल लाइफ टू दिस डिसीज ठीक है मतलब जिस भी पेशेंट को होता है वो देयर विल बी लेस चांसेस टू टू काज फर्दर दिस टाइप ऑफ डिसीज ठीक है आर्टिफिशली आर्टिफिशली की हम जब भी बात करें एक्वायर्ड एक्टिविटी की जब भी बात करते हैं तो एक्वायर्ड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और टॉक्साइड ठीक है क्या है एक्वायर्ड किसके द्वारा वैक्सीन जब हम वैक्सीन्स देते हैं उसमें क्या होता है एटीन्यूएटेड वायरस ठीक है जिसको हम अधमरा बोल सकते हैं कि वायरस इंजेक्ट किया जाता है दे एंड इट विल हेल्प फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज इन साइड योर बॉडी ओके तो मतलब क्या है वो प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज uh, ठीक है फिर वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी इट स्टिमुलेट्स बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड द पर्सन बिकम इम्यून टू दैट डिसीज ठीक है तो ये क्या हो गया आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी की जब भी बात करेंगे इट इज एक्वायर्ड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ रेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज इन टू द बॉडी पैसिव इम्यूनिटी क्या है जो आपकी आ, मतलब जो लैब में सिंथेसिस की, की जाती है वो आपको पिलाया जाता है उसके रेफरेंस में आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है नेचुरल रिकॉर्ड पैसिटीटी एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू प्रेजेंटा कुछ क्या होता है आपकी मदर आ, मतलब जो भी मदर्स होती हैं मतलब उनसे कुछ एंटीबॉडीज आपके मतलब फीटस जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर चली जाती है थ्रू पैसेंट प्लेसेंटा ठीक है तो एंटीबॉडीज़ ऑफ चिकन पॉक्स टिपथीरिया मिजलिस ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू मदर फिश गिव एम्यूनिटी टू इन्फेंट्स फॉर सेवरल मंथ्स ठीक है तो क्या है एंटीबॉडीज़ ऑफ चिकन पॉक्स ठीक है एंटीबॉडीज़ चिकन पॉक्स टिपथीरिया क्या है ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर फिश गिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट्स फॉर सेवरल मंथ ठीक है उसमें क्या होता है एच, आपके जो भी न्यू बॉर्न बेबी है जिस ठीक है तो उसकी मदर के थ्रू क्या प्रेस, एक पार्ट होता है पेसेंटा प्रेसेंटा टू फीटस प्रेसेंटा जॉइंट होता है फीटस से तो उसके थ्रू बहुत सारी एंटीबॉडीज़ चली जाती हैं बच्चे में ठीक है तो वो क्या हो हो जाता है रेसिस्टेंट हो जाता है डिसीज़ होने के फर्दर ठीक है फिर आता है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाई इंजेक्टिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ठीक है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मीन्स जो मैन मेड होती हैं ठीक है उसके द्वारा क्या होता है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटीज प्रोड्यूस बाई इंजेक्टिंग हम इंजेक्ट करते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रिपरेशन सच एज एंटीसीरम सेरा ठीक है दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन एनिमल लाइक हार्स एंड देन इंजेक्टेड टू पर्सन ठीक इस है इसमें क्या है सबसे पहले एनिमल में हम इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज देन पर्सन ठीक है तो ये क्या हो गया आपका एक सिंपल वे हो गया एमोनोलॉजी एंड एमोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ठीक है फिर आते हैं कुछ टर्म्स आते हैं जैसे रिलेटेड टर्म्स यूज इन एम्यूनिटी फर्स्ट वन इज पैथोजन पैथोजन क्या होता है मतलब क्या होता है इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है थीके? तो पैथोजन दीज आर द इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है दूसरा एंटीजन क्या होता है दीज आर द दब्स्टेंस विज स्टमुलेट बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ठीक है जब भी एंटीजन की बात करेंगे ये स्टीमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में ठीक है एंटीबॉडीज दीज आर द सब्सटेंस दब्सटेंस इन द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाई एंटीजन क्या एंटीबॉडीज क्या होते हैं सब्सटेंस होते हैं बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं रेस्पॉस टू जब भी एंटीजन आपकी बॉडीज पे मतलब इंजेक्ट होगा या आपकी स्किन पे अट अट, मतलब अटैक करेगा ठीक है टॉक्सिन क्या होते हैं दीज आर द पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई पैथोजेनिक माइक्रो आर्गनिजम लेट द इन्फेक्शन डिसीज इन माइनर एलिमेंट्स टॉक्सेंस किसके द्वारा प्रोड्यूस होंगे इट इज अ पॉइजनस सब्सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट इज प्रोड्यूस बाई पैथोजेनिक माइक्रो आर्ग्रीजम ठीक है लेड्स टू इन्फेक्शन ठीक है इन्फेक्शन काज करेंगे या डिसीज काज करेंगे इन मैन एंड एनिमल बोथ ठीक है एक्जो टॉक्सिन की बात करते हैं तो दीज आर द टॉक्सेंस विच कैन डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द बैक्टीरियल सेल वा ठीक है एग जो टॉक्सेंस क्या होते हैं ये टॉक्सेंस हैं डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस करेंगे और क्या है और उसके थ्रू आपके ब्लड में जाएंगे और वहाँ पे क्या है माइक्रो माइक्रोआर्गम फर्दर ग्रो कर ग्रो कर जाएंगे ठीक है इंटोटॉक्सिन क्या होता है दीज आर द टॉक्सेंसर कैन आर डिफ्यूज थ्रू द बैक्टीरिया सेलवाल एंड बैक्टीरिया सेलवाल एंड आर रिटेन विद इन द बैक्टीरिया इंटोटॉक्सिन क्या होता है डिफ्यूज तो नहीं हो बैक्टीरिया सेलवाल द्वारा सिंथेसिस तो होगी बट डिफ्यूज नहीं होंगे ठीक है बैक्टीरिया के अंदर ही रहेंगे सेल के दे आर रिलीज फिन सेल सेल डाई मतलब जब बैक्टीरिया आपके मरेंगे या डाई होंगे देन इट विल रिलीज इट विल रिलीज ठीक है एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं दीज आर द सब्सटेंस कंटेनिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय ब्लड ठीक है एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं दीज आर सब्सटेंस कंटेनिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द ब्लड ब्लड के द्वारा एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं विच इस रेसिपी किल इन यूटिलाइज द टॉक्सेंस प्रोड्यूस बाई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्ग्रिजम ठीक है ये क्या करेंगे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेजियम को किल करेंगे ठीक है तो ब्लड के अंदर आपके बहुत सारे एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं एंड इट विल किल द माइक्रो पैथोजेनिक माइक्रो आर्ग्रीजम ठीक है सेरा और एम्यून सेरा क्या होता है इट इज ए क्लियर फ्लूड फीज सेपरेट फ्रॉम ब्लड ठीक है क्या है ब्लड से सेपरेट करोगे तो आपको सेरा या एम्यून सेरा मिलेगा वन इट क्लॉट्स इट इज नोन एज सीरम ठीक है एक क्लियर सब फ्लूड लाइक सब्सटेंस होता है और अगर ब्लड से इसको निकालोगे तो ये क्या होता है होता है क्लॉट कर जाता है जम जाता है ठीक है फैन ए सीरम कंटेंस एंटीटॉक्स एंटीटॉक्सिक एंटीबॉडीज इट इज नोन एज एंटीटॉक्सिक सीरम ठीक है क्या है फिर सीरम कंटेन एंटीटॉक्सिस एंटीबॉडीज ठीक है इट इज़ नोन एन एंटीटॉक्सिक सीरम ठीक है जब सीरम में क्या होगा एंटीटॉक्सिक एंटीबॉडीज ठीक है दे आर यूजली एनिमल बट समाइम फ्राम ह्यूमन सीरम आल्सो ठीक है टाइक्सोइड क्या होता है दीज आर द हुज टॉक्सिसिटी हैज़ बीन रिमोव बाई जेंटल हीट आर बाई केमिकल ट्रीटमेंट बट देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर टॉक्साइड्स क्या होता है ए टॉक्संस होता है हुज टॉक्सिसिटी हैज बीन हुज टॉक्सिसिटी हैज़ बीन रिमोव बाय जेंटल हीट ठीक है तो ये टॉक्सेंस होते हैं इनको सिंपली आप क्या करोगे थोड़ा हीट करोगे केमिकल ट्रीटमेंट करोगे तो ये क्या करते हैं रिमूवड हो जाते हैं ठीक है ठीक है मतलब इनका जो एक टॉक्सिक बिहेवियर है ये चला जाता है बाई देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर रिटेन ठीक है जैसे टिटने टाइक्सॉइड एंड एंड स्टिफिलो कोकस मतलब क्या है फिर से हम थोड़ा रिपीट करते हैं टैक्सोइड दीज आर द दॉक्सन्स विट टॉक्सिसिटी हैज़ बीन रिमोव बाई जेंटल हीट ठीक है आर बाई केमिकल ट्रीटमेंट बट देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर रिटेन उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर uh, है या नेचर है वो तो खत्म हो जाता है बट उनका एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रहता है ठीक है रहता है जैसे टिटनेस टैक्सॉइड एंड स्टेपलोकूकस टैक्सोइड ठीक है तो तो ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ टैक्सॉइड के ठीक है वैक्सीन्स क्या होते हैं दीज आर दबस्टेंस विच आर एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस ठीक है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज ठीक है वैक्सीन हम लोग देते हैं ठीक है थीके? और उसमें होता क्या है बॉडी प्रोड्यूस करती है एक एंटीबॉडीज जो फर्दर क्या होता है फ्यूचर में क्या होता है इन्फेक्शन होने के चांसेस को रोकता है ठीक है दे आर दे आर मेनली यूज एज प्रोफाइल एक्टिव ट्रीटमेंट ठीक है क्या इसको बोलते हैं इट इज़ ए प्रोफाइल एक्टिव ट्रीटमेंट मतलब आगे जो आपको डिसीज होनी है उनके प्रति क्या करता है एंटीबॉडीज बनाए रखता है कि फर्दर फ्यूचर में कभी आपको कोई भी डिसीज ना हो ठीक है वैक्सीन में कंटेंट लिविंग ठीक है वैक्सीन क्या होती है ए, लिविंग एटूनेटेड आर कील बैक्टीरिया ठीक है वायरसेज आर रिकेट्सिया तो वैक्सीन में हम लोग पिलाते क्या है एक लिविंग आटोन एंड कील बैक्टीरिया को हम देते हैं पेशेंट को ठीक है अमोनोलॉजिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं द प्रिपरेशन विच आर यूज टू प्रोड्यूस अम्यूनिटी आर कॉल्ड अम्योलॉजिकल प्रिपरेशन ठीक है जो भी क्या है द प्रिपरेशन विच आर यूज टू प्रोड्यूस अम्यूनिटी ठीक है क्या है जो अम्यूनिटी प्रोड्यूस करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे अमोनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ठीक है जैसे आपका क्या हो गया वैक्सीन्स हो गया इस किसका एग्जाम्पल है अमोनोलॉजिकल प्रीपरेशन प्रोडक्ट्स का दे आर यूज फॉर प्रिवेंसन ऑफ डिसीज़ ठीक है जैसे वैक्सीन्स हो गए आपको कोरोना वैक्सीन पिलाएगी कि फ्यूचर में आपको क्या हो uh, क्या ना हो कोरोना ना हो ठीक है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज जैसे सीरम हो गया फॉर डायग्नोस्टिक परपज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो गया ठीक है तीन टाइप के हैं आपका प्रिवेंसन ऑफ डिसीज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड डायग्नोस्टिकपजस क्लासीफिकेशन की बात करते हैं तो अमोनोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर एक्टिव एक्टिव अम्यूनाइजेशन के लिए जैसे बी का आपको टीका लगता है कॉलरा है टाइफाइड है एंड इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स ठीक है स्मॉल पॉक्स मीजिलस एंड पोलियो इट इज अ टाइप ऑफ वायरल वैक्सीन ठीक है तो पी पी टी एंड टी टी ये क्या है इट इज अ टाइप ऑफ टैक्साइड्स ठीक है डिप्टीरिया पार्टोटीज इसमें क्या है तीन टाइप के आपके वैक्सीन्स लगती हैं टिटनेस ये क्या है टैक्साइड है ठीक है तो स्मॉल पॉक्स मीजिलस पोलियो है, है, BCG, है, क्या है वायरल वैक्सीन है बी सी जी कोलराट टाइफॉइड क्या है बैक्टीरियल वैक्सीन है ठीक है नेक्स्ट विल टाक अबाउट अम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर पैसियो अम्यूनाइजेशन ठीक है जैसे क्या है एंटी सीरम एंड सीरा एंड एंटीटॉक्सिन क्या है अम्योनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर पैसियोनाइजेशन ठीक है अम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन यूज फॉर ट्यूबर कूलर ट्यूबर कूलिन टेस्ट एंड सिक्स टेस्ट ठीक है तो अम्योजिकल ठीक है ए डायग्नोस्टिक एजेंट हैं जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन यूज फॉर ट्यूबर कुल टेस्ट ठीक है तो ये क्या है ये है डायग्नोस्टिक एजेंट्स ठीक है बी का आपको पता है बैसिलस आप ऑफ कॉलमेटिक्वरम वैक्सीन ठीक है तो तीन बैसिलस आप ऑफ कॉलमेटिक्वरम वैक्सीस का फुल नेम है इट इज डिसीज इट इज इट इज ए फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशन कंटेनिंग ए लिविंग सेल्स ऑफ स्टैंड बाई माइकोबैक्टेरियम ट्यूबर क्लोसिस ठीक है तो माइको ठीक है माइकोबैक्टेरियम ट्यूबर क्लोसिस का इसमें क्या है हम बैक्टीरिया बी सी जी वैक्सीन में क्या होता है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस की लिविंग सेल्स हम ठीक है इस वैक्सीन में होते हैं और इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे जैसे इसमें लिखा है बैस, बैसिलाई मतलब इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया बैसिलई आर ग्रोन ऑन ए कल्चर मीडिया नॉट मोर देन फोर्टीन डेज ठीक है तो सबसे पहले बैसिलिस को ग्रो करोगे एक कल्चर मीडियम फॉर फोर्टीन डेज फिर क्या करोगे कल्चर कल्चर मीडिया इज़ फिल्टर्ड एंड केक इज़ कलेक्टेड ठीक है फिर क्या करें वो कल्चर मीडिया को हम फिल्टर करेंगे और एक केक टाइप का केक uh, उसमें केक टाइप का आपके सारे बैक्टीरियाज उसमें uh, क्योंकि यहाँ पे ग्रो uh, जो आपके बैक्टीरिया ग्रो किए हैं उनको एक केक टाइप का वो कलेक्ट करेंगे केक इज़ होमोजीनस ग्राइंडिंग एंड ट्रांसफर ट्रांसफर्ड हुए स्टाइल लिक्विड मतलब क्या है उस केक इज कलेक्ट केक में क्या है बैक्टीरिया भी होंगे और कुछ अदर मटेरियल जो कल्चर मीडिया दो चीज़ें होंगी उसको हम क्या करेंगे उसको हम ग्राइंड करेंगे एंड ट्रांसफर टू ए स्ट्राइल लुक्विड उसको हम ट्रांसफर करेंगे एक स्ट्राइल लुक्ड में द एबाउ सस्पेंशन इज ट्रांसफॉर्म टू इस्टराल कंटेनिंग ए फ्रीज ड्राइड एंड सील्ड ठीक है अबाउ सस्पेंशन इज ट्रांसफर टू ए स्ट्राइल जो आपका सस्पेंशन मिलेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ पे इस्ट्राइल कंटेनर में और उसको फ्रीज ड्राइड एंड सील्ड करेंगे फ्रीज करेंगे ड्राई करेंगे और फिर फर्दर सील्ड कर देंगे स्टोरेज किस कंडीशन में करोगे इट इज इट इज़ स्टोर्ड इन लाइट असिस्टेंट ग्लास कंटेनर बिटवीन टू टू एट डिग्री सेल्सियस ठीक है यूज़ की बात करेंगे तो अम्योनाइजिंग एजेंट्स अगेन ट्यूबर ठीक है अम्योनाइज एजेंट्स अगेंस्ट ट्यूबर अगेंस टीबी टीबी में हम क्या करते हैं इसका अपलिके यूज करते हैं डोजेस की बात करें तो जीरो पॉइंट वन एम एल बाई इन, इन इंट्राक्यूटेनियस रूट ठीक है डोज में क्या है जीरो पॉइंट वन एम एल हम देंगे इंट्राक्यूटेनियस रूट ठीक है फिर कौन सी है कॉलरा वैक्सीन साइट इज ए स्ट्रायल सस्पेंसन ऑफ कील्ड विब्रियो कॉलरी ठीक है इसमें क्या होते हैं कील्ड विब्रियो कॉलरी होंगे प्रिपरेशन कैसे करोगे बोथ स्टेन आर ग्रोन सेपरेटली एन सॉलिड मीडियम फॉर ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स ठीक है तो क्या है बोथ स्टैंड किस में ग्रोक्रो इन सॉलिड मीडियम फॉर कितने टाइम के लिए ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स के लिए बैक्टीरिया वाश्ट विद नॉर्मल सेलाइन ठीक है फिर बैक्टीरिया को हम वाश करेंगे नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन से सस्पेंशन देन हीटेड फिफ्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस फॉर वन आवर ठीक है सस्पेंशन को हम हीट करेंगे वन आवर के लिए आर बाई एल्कोहल आर बाई बैक्टीरियो साइट ठीक है देन प्रेपरेशन इज स्टैंडराइज ठीक है वो प्रिपरेशन हम स्टैंडराइज कैसे करेंगे वन एम वैक्सीन कंटेन लेस देन एट हंड्रेड मिलियन बैक्टीरिया ठीक है तो उसमें हम काउंटिंग भी कर लेते हैं कि वन एम एल वैक्सीन में कितने मार्गजिम बैक्टीरिया एट थाउजेंड राउंड रहेंगे ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते फिर प्रोसेस क्या है आफ्टर एडिंग प्रिजर्वेटिव इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एम्पल्स एंड सील ठीक है क्योंकि हमें कंजर्व करना है एम्पल्स और सील्ड जो भी आपकी बॉटल्स होती हैं तो काफ़ी टाइम के लिए हमें कंजर्व करना होता है तो उसमें क्या करेंगे हम आ, कुछ प्रिजर्वेटिव कर करेंगे ठीक है प्रिजर्वेटिव ऐड करने से क्या है उनका बहुत काफ़ी टाइम तक वो मतलब क्या है वो डिस्ट्रॉय मतलब आ, प्रिजर्व रहेंगे ठीक है स्टोरेज की बात करते हैं टू टू एट डिग्री सेल्सियस स्टोरेज कर सकते हैं यूज़ की बात इस एज एम्यूनाइजिंग एजेंट्स अगेंस्ट कोरला कारला भी इसका यूज होता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या इट इज़ प्रिपेयर बाई टू मैथड पहला है बाई यूजिंग एनिमल्स ठीक है एनिमल्स का यूज कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में दूसरा क्या है बाई यूजिंग एक्स ठीक है तो बाई यूजिंग एनिमल मेथड में क्या सिलेक्शन ऑफ एनिमल फ्री फ्राम डिसीजेस कोई भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म को एनिमल को हम सेलेक्ट कर देंगे जैसे कार्ल्स एंड सीप है आर सेलेक्टेड एंड केप्ट फॉर टेन टू फोर्टीन डेज इन आइसोलेटेड एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन ठीक है तो पहले हम उनको ए, कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट एरिया में उनको हम कलेक्शन करेंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फॉर स्केरिफिकेशन ठीक है एनिमल इज टेकन टेकिन स्पेशल रूम फिर एबडोमिन आर सेफ्ड एंड स्क्रब्ड एंड डिसइंफेक्टेड ठीक है उसके एबडामिन पार्ट का हम एबडोमिन uh, पार्ट उसको यूज़ करेंगे सेव करेंगे स्क्रब करेंगे एंड डिसइंफेक्टेड ठीक है इनोकुलेशन In, क्या होता है लाइट इन आर मेड बाई स्फायर आर इंसीजन ठीक है इनोकुलेशन क्या होता है लाइट इन आर मेड बाई स्फायर एंड इंसीजन इज विद सीड वैक्सीन ठीक है इसको क्या बोलेंगे इनाकुलेशन इनक्यूबेशन क्या होता है ड्यूरिंग नेक्स्ट सेवन टू नाइन डेज डे वेकल्स आर फॉर्म एलॉन्ग द लाइन ऑफ इंसीजन ठीक है कुछ क्या वेसिकल्स इसमें बनती हैं लाइन ऑफ इंसीजन ठीक है उस इंसीजन लाइन पे ठीक है कलेक्शन ऑफ वायरसेस क्या होता है एट आप ऑपरेशन टेबल एनिमल इज किल्ड ये आपका इनाकुलेशन एंड इनकोबेशन दो टर्म्स जो है इसको मैं uh, दोबारा रिपीट करूँगा ठीक है इसको थोड़ा ब्रॉड बेस से क्योंकि इन्होंने जो मेंशन किया है काफ़ी टफ लैंग्वेज इसमें यूज़ किया है ठीक है तो इसका हम सिंपल वे में आपको व्हाट्सएप uh, कर देंगे या फिर uh, फिर से क्लास में डिफाइन कर देंगे इसको कलेक्शन ऑफ वायरसेस की बात करते हैं एट ऑपरेशन टेबल एनिमल इज़ किल्ड एंड आफ्टर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ ऑफ विद वास्ड वाटर एंड एंड कंटेंट्स विद नाइफ विद प्रिकॉशंस एंड एयर सेफ्टी कंडीशन ठीक है पहले क्या है ऑपरेशन टेबल एनिमल को किल किया जाता है कि और ये भी देखा जाता है कि आपका एनिमल में कोई डिसीज तो नहीं है एबडामिन फिर वाश किया जाएगा एपडोमिन वाश करोगे और विद इस्टराइल वाटर स्टराइल वाटर क्या होगा इस्टराइल मतलब क्या है उसमें कोई किसी भी कोई भी टाइप के बैक्टीरियाज या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे ठीक है एंड कंटेंट्स आर विध विद सार्फ नाइफ जो भी एपडोमिन के कंटेंट्स हैं उसको हम निकालेंगे विद प्रिकॉशंस बड़ी सावधानी के साथ इन एसेप्टिक कंडीशन मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे सारे क्या होंगे एसेप्टिक ठीक है मतलब क्या है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर नहीं होगा ठीक है प्योरीफिकेशन की बात करते हैं टू द कॉन्टेंट ग्लिसरीन इज इक्वल वॉल्यूम इज एडेड ठीक है प्योरिफिकेशन में क्या है टू द कॉन्टेंट ग्लिसरीन इक्वल अमाउंट में ऐड करोगे स्टोर्ड एट माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू रिमो इम्प्योरिटीज ठीक है कितने पे माइनस टेन पेट डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टोर करेंगे तो उसमें क्या होता है इम्प्योरिटीज आपकी सेपरेट हो जाती हैं ठीक है फिलिंग सीलिंग एंड स्टोरेज फील्ड इन फाइनल कंटेनर फिश ड्राइड एंड सील स्टोर एट ट्वेंटी टू 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 एट डिग्री सेल्सियस फिर क्या करें फिलिंग सीलिंग एंड स्टोरेज फील्ड इन फाइनल कंटेनर फिर क्या है फाइनल कंटेनर में हम फिल करेंगे फ्रीज करेंगे और ड्राई करेंगे और उसको हम सील कर देंगे स्टोर करने कितने में करना है टू टू एट डिग्री सेल्सियस पे यूज़ की बात करते हैं प्रोपाइल ऑफ स्मॉल पॉक्स में यूज होंगी ठीक है फिर क्या है तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड है आपका बाई यूजिंग एक्स तो इसमें क्या हिन, आपके हे यूज होते हैं इनक्यूबरेट फॉर ट्वेल्व डेज पहले उनको स्टोर करोगे ट्वेल्व डेज के लिए फिर क्या है ए स्मॉल कट इन सेप इज मेड एंड लेफ्ट ए जेंटली टू सी कोरियो एलेंट्रॉक मेम्रेन मेम्ब्रेन आपके एक में बहुत सारी मेमब्रेन होती हैं इसमें एक कोरियो एलेंट्रॉक मेम्ब्रेन होती है तो पहले हम एक पे फोर्टीन डेज तक उसको इनक्यूबरेट uh, करते हैं फिर क्या है उस पर हम क्या करते हैं इस्म कट लगा देंगे ठीक है कौन सी मेम्ब्रेन पे है कोरियो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मेमब्रेन इनोकुलेटेड विद सीड एंड ओपन कट सील्ड विद पैराफिन वैक्स ठीक है उस कट को हम क्या करेंगे ओपन करेंगे और उस पर पैराफिन वैक्स लगा देंगे इनक्यूबेटेड फॉर फोर्टी सेवेंटी तो, टू आवर्स फिर क्या है हम उसको कितने टाइम के लिए रखते हैं सेवेंटी टू आवर्स के लिए रखेंगे देन कोरियो मेम्ब्रेन सेपरेटेड एंड सैलाइन सोल्यूशन एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है देन क्या है कोरियो एलेंटॉइ मेम्रेन को हम सेपरेट करेंगे और फिर क्या करेंगे एडेड इन साइलेंसलून एट मतलब सैलेंसलून साइलिन सल्यूशन को लेकर पर्टिकुलर टेम्परेचर मैंसन किया जीरो डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे उसमें रख देंगे ठीक है फिर क्या ऐड करना है फिफ्टी परसेंट ग्लिसरीन ठीक है आफ्टर ग्राइंडिंग इट इज़ ट्रांसफर टू फाइनल कंटेनर फ्रिज एड एंड सील ठीक है फिर क्या है उसको ग्राइंड करके ट्रांसफर इट इज़ ट्रांसफर इनटू फाइनल कंटेंट जिसमें हमें रखना होता है उसमें हम रखते हैं फ्रीज करते हैं ड्राई करते हैं और उसको सील करते हैं तो ये बाय uh, यूजिंग इसको आप भी कर सकते हो सब काफ़ी सिंपल इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ठीक है इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको uh, इंस्ट्रूमेंट की भी नीड नहीं है सिंप, सिंपल इंस्ट्रूमेंट इसमें नीडेड है ठीक है पोलियोलाइटिस वैक्सीन क्या होती है पोलियो आर टू टाइप्स पहला क्या है पोलियो कंटेनिंग किल्ड वायरस ठीक है दूसरा क्या है पोलियो वैक्सीन कंटेनिंग लिविंग वायरस ठीक है पोलियो कंटेनिंग किल्ड वायरस मतलब क्या है इंजेक्टेबल वैक्सीन इस एक को बोलते हैं इंजेक्टेबल वैक्सीन जो आपको इंजेक्ट की जाएंगी पोलियो वैक्सीन कंटेनिंग एट्यूनिएटेड लिविंग वायरस इसमें क्या है एटोनिटेड मीन्स होता है एक होता है कील्ड बिल्कुल मरे हुए एक होता है एटोन मतलब क्या है आधा फिफ्टी परसेंट वो कीड़ है फिफ्टी परसेंट लिविंग स्टेट में है ठीक है ये किस फॉर्म में औरल वैक्सीन फार्म है बोल कॉन्टेट टाइप वन टू थ्रीन वायरस ठीक है तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेन कंटेन वन टू थ्री ऑफ वायरस ठीक है तो ये थोड़ा देख सकते हो प्रिपरेशन uh, बहुत सारे प्रिपरेशन है कुछ इंजेक्टेबल वैक्सीन मतलब जो किस वे से आप दे रहे हो uh, अगर आप मतलब पैरेंटल दे रहे हो तो इंजेक्टेबल वैक्सीन हो जाएंगी मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू दी जाएंगी जैसे इसमें क्या है इंजेक्टेबल वैक्सीन में ईच स्टेन टाइप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ग्रोन इन ए कल्चर ऑफ मंकी किडनी टिश्यू एट टेम्परेचर नॉट मोर देन थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है किस में है स्टेन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कहाँ पर ग्रो किए इन ए कल्चर ऑफ मंकी किडनी मंकी की किडनी में किडनी के टिश्यूज में इसको हम डेवलप uh, करेंगे एट टेम्परेचर नॉट मोर देन थर्टी फाइव कितना टेम्परेचर रखना है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है देन इनएक्टिवेटेड बाई सुटेबल मैथड्स ठीक है फिर क्या है हम उसको इनएक्टिव करेंगे पर्टिकुलर एक सुटेबल मैथड से ठीक है औरल वैक्सीन की जब भी बात करोगे ईच वैक्सीन्स ग्रोन इन ए कल्चर ऑफ मंकी किडनी टेस्ट एट टेम्परेचर नॉट नॉट मोर देन थर्टी फाइव थ्री थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर सिक्स डेज ठीक है औरल वैक्सीस में क्या है ईच स्ट्रेन मतलब क्या है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ग्रोन इन कल्चर ऑफ़ मंकी किडनी ठीक है मंकी किडनी टिश्यू में ग्रो किए जाएंगे टेम्परेचर कितना है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस देंगे और सिक्स डेज से ज़्यादा नहीं ठीक है फॉर सिक्स डेज फाइनल वॉल्यूम एडजस्टेड बाई डायलूशन फाइनल वॉल्यूम हम कैसे एडजस्ट करेंगे डायलूशन के थ्रू फिल्टर थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर आफ्टर ठीक है फिल्टर किससे क्या बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर आता है उसे हम फिल्टर करेंगे आफ्टर दैट फिर क्या है आफ्टर टेस्टिंग इट इज़ फिल्ड इन ए कंटेनर ठीक है फिल्टर करने के बाद क्या है टेस्ट करेंगे और उसको हम कंटेनर में फिल करेंगे ठीक है स्टोरेज की बात करते हैं इन इन फ्रोजन स्टेट एट माइनस ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस और लेस ठीक है कितना टेम्परेचर आपको दे माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करना है ठीक है एट फ्रीजिंग स्टेट क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ पे फैन इट मेल्स कब वैन इट मेल्ट एट जीरो डिग्री सेल्सियस टू फोर डिग्री सेल्सियस यूज विन यूज विद इन थ्री मंथस ठीक है वैन इट मेल्स ठीक है जब वह मेल्ट करेगा मेल्ट कब करेगा जब हम टेम्परेचर माइनस से प्लस में लाएंगे ठीक है मतलब क्या है एट जीरो डिग्री सेल्सियस टू फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है यूज़ की बात करते हैं एज अम्यूनाइजिंग एजेंट इन प्रोफाइलेक्स अम्यूनाइजिंग एजेंट इन प्रोफाइलेक्स एट पोलियोमलाइटिस ठीक है किसमें अप्लाई uh, कर रहे हैं प्रोफाइलक्सेस ऑफ पोलियोमलाइटिस ठीक है और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स ठीक है पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है जैसे डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स सबसे पहले क्या है प्योर कल्चर ऑफ कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी इसका हम प्योर कल्चर बनाएंगे इसको ग्रो करेंगे इन कल्चर मीडियम एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर फोर टू सेवन डेज ठीक है कल्चर मीडियम को किया? कितने टेम्परेचर पर ग्रो करना है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है और फॉर फोर टू सेवन डेज ठीक है जी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फिनॉल उसमें ऐड करेंगे ठीक है फिर क्या करें फिल्टर करेंगे थ्रू बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया फिल्टर आता है और उसको जो हमें मिलेगा वो क्रूड टॉक्सिन मिलेगा ठीक है हेल्दी ये तो फर्स्ट हो गया कोई नो बैक्टीरिया दूसरा है हेल्दी हॉर्स सेलेक्टेड ठीक है हेल्दी हॉर्स सेलेक्टेड मतलब क्या है पहले हम एक हेल्दी हॉर्स सेलेक्ट करेंगे फिर क्या है केप्ट आइसोलेटेड फॉर सेवन डेज केप्ट आइसोलेट फॉर सेवन डेज डेट इंजेक्टेड बाई इंजेक्टेड बाई दे इंजेक्टेड बाई टी टी ठीक है यहाँ पर इन्होंने जो हेल्दी हॉर्स सेलेक्टेड एंड देन इंजेक्टेड बाई यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने जो टी टी शार्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा ठीक है फिर क्या है इन्होंने क्या डिप्टिट इज गिवेन हॉर्स टू uh, हॉर्स बाई वन बाई इंट्रामर रोड इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज ठीक है डिप्राया डा ऑक्साइड ये ठीक है तो हेल्दी हार्स सेलेक्टेड करेंगे सेवन डेज एंड देन इंजेक्टेड बाई इंजेक्टेड बाई ये मैथड दिया है ठीक है मतलब हम इसको पेरेंटली यहाँ पेरेंटली मान के चलो इंजेक्ट करेंगे डिप्रा डाइक्साइड इज गिवेन टू हार्स ठीक है तो पहले हमने क्या किया था कोरोना बैक्टेरियम डिप्थीरिया का जो ये बनाया था एंटीटॉक्सिन ये हम हेल्दी हार्स पे अप्लाई कर रहे हैं ठीक है हाँ, हम उसको एक जे एक्ट है जे मतलब ए, वो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं यहाँ पे तो डिप्रीड एक्सरसाइज गिवन हर्स भाई इंट्रामस्कुलर रूट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज फर्स्ट डोज फाइव एम आफ्टर टू डेज टेन एम एंड सो ऑन टिल लास्ट डेट डोज इज सिक्स हंड्रेड ठीक है तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डोज का अमाउंट बढ़ा रहे हैं ठीक है तो आफ्टर टेन डेज टेन डेज टेन डेज के बाद क्या होगा ब्लड इज टेस्टेड फॉर एडिकुएट एंटीटॉक्सी ठीक है 10 डेज के बाद क्या है ब्लड आपका टेस्ट किया जाएगा फॉर uh, एंटीटॉक्सिन an, आपको एंटीटॉक्सिन लेके आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा देन एट लीटर ब्लड इज़ कलेक्टेड थ्री टाइम्स इन एट डेज एट लीटर ब्लड हम कितने एट लीटर ब्लड कलेक्ट करेंगे तीन थ्री टाइम्स इन एट डेज ठीक है तो एट एट लीटर एट डेज में तीन बार आप कलेक्ट करोगे आफ्टर टू वीक्स इंटरवल रिपीट द सेम शेड्यूल ठीक है यही आप दो वीक के बाद रिपीट करोगे द प्रोसेस इज रिपीटेड फोर टू फाइव टाइम्स आफ्टर ठीक है आफ्टर ब्लड कलेक्शन इट इज़ अलाउड टू क्लॉट ठीक है जो ब्लड आप कलेक्ट करोगे उसको अलाउ करोगे कुछ टाइम के लिए कि क्लॉट हो जाए क्लॉटिंग आपको पता है सेपरेट द सीरम सीरम को क्या है सेपरेट करेंगे सीरम ट्रीटेड विद अमोनियम सल्फेट ठीक है सीरम को ट्रीट करेंगे किससे अमोनियम सल्फेट से टू अवॉइड अनडिजायरेबल रिएक्शंस ठीक है नॉर्मल सैलिन पेप्सिन फिल्टर एंड सील्ड ठीक है Uh, फिर क्या है स्टोरेज कितने पे करोगे टू टू एट डिग्री टू 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 एट डिग्री सेल्सियस नॉट टू फ्रीज ठीक है स्टोरेज क्या है हम कितने पे टू टू एट डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं क्योंकि प्लस है तो ये फ्रीज नहीं होगा यूजेस प्रोफाइल एक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिपथीरिया ठीक, ठीक है फिर आपका क्या है आपका एमोनोलॉजिक प्रोडक्ट्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज ये आपका शायद लास्ट पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं सबसे पहले क्या है प्रेपरेशन ठीक है डायग्नोस्टिक पर सबसे पहले आपको दीज एजेंट्स आर यूज टू टेस्ट इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन की कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में कितना परसेंट इम्यूनिटी है ठीक है तो इट इज इसके लिए यूज हो होगा ये सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर इन्फेक्शंस कोई भी इन्फेक्शंस है उसको हमें डायग्नोज करना कि कौन सा आपको इन्फेक्शन है ठीक है फर्स्ट वन इज सिक टेस्ट इस किसको सिक टेस्ट किस में टू चेक द इम्यूनिटी टू डेटीरिया ठीक है डिप्थीरिया की अम्यूनिटी चेक करने के लिए आपको आ, सिक टेस्ट करना पड़ेगा ट्यूबर कुलर टेस्ट एड आपकी अम्यूनिटी ट्यूबर कुलर बैक्टीरिया के प्रति कितना है तो इसके लिए ट्यूबर कुलिन टेस्ट होगा सिक टेस्ट टॉक्सिन कैसे करेंगे कोर्नो बैक्टीरियम डिप्टीरिया ग्रो नहीं लिक्विड मीडियम सबसे पहले कोर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया ग्रो करेंगे लिक्विड मीडियम में उसको फिल्टर करेंगे फिल्ट्रेट कंटेंट एंड एक्जोटॉक्सेंस एक्जोटॉस एक्जोटॉक्सेंस आपको पता है सेल के बाहर ब्लड में आएंगे ठीक है या फिर हम क्या करेंगे ग्रो लिक्विड मीडियम में आप ग्रो कर रहे हो क्योंकि बॉडी के अंदर होंगे तो ब्लड में जाएंगे आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप कोरोना बैक्टीरियम कहाँ पर लिक्विड मीडियम तो आपके कहाँ पर जाएंगे एक जो आपके लिक्विड मीडियम में जाएंगे आप उसको कलेक्ट करो फिल्टर करो आपके एक जो अलग होंगे डायलोट करो थोड़ा डायलूट कैसे करोगे थोड़ा वाटर उसमें ऐड कर सकते हो या फिर ड करके उसको डायलूट करके जीरो पॉइंट टू एम एल आपको सोलूशन बनाना है बैक्टीरियो साइडलाइजर आर एडेड उसमें फिर क्या आपको एड करना है बैक्टीरियो साइट बैक्टीरियोसाइट क्या होते हैं बैक्टीरिया को पूरी तरह किल करने वाले एजेंट्स क्या कहलाएंगे बैक्टीरियो साइड एंड स्टेबलाइजर आर एडेड मतलब उस सोल्यूशन को स्टेबलाइज करेंगे ठीक है क्योंकि आपको रखना है उसको एडेड इन स्टाइल कंटेनर एंड सील्ड कहाँ रखो स्टाइल कंटेनर मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे और उसको सील्ड करोगे सील करके रखोगे सिक टेस्ट क्या होता है टेस्ट टॉक्सिन इज इंजेक्टेड डर्मली इंटर क्या है सिक uh, टेस्ट में क्या है टेस्ट इज इंजेक्टेड इंटर डर्मली इंटू लेफ्ट एंड राइट फॉर आर्म एट द सेम ठीक है टाइम एंड सेम वॉल्यूम ठीक है तो टेस्ट टॉक्सिनज इंजेक्ट इंजेक्टेड इंटर ठीक है इंटू लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट फॉर्म आर्म एट द सेम टाइम एंड सेम आ, किस में आपको ए, इंजेक्ट करोगे टेस्ट टॉक्सिन किस में इंजेक्ट करोगे इंटर ठीक है ये ट्रांसफ्यूजन है आपका ठीक थी, है इंटू लेफ्ट एंड राइट फॉर्म दोनों आर्मो एट द सेम टाइम एंड सेम वॉल्यूम सेम टाइम पे सेम वो जी, जीरो पॉइंट वन एम एल आप इंजेक्ट करो तो जीरो पॉइंट वन एम एल ही इंजेक्ट करना है आर्म्स आर एग्जाम आफ्टर फोर्टी एट आवर्स ठीक है आर्म्स आर एग्जाम आफ्टर फिर कितना कितने बार आपको एग्जामाइन करना है फोर्टी एट आवर्स के बाद लेफ़्ट आर्म एंड राइट आर्म रिजल्ट आपको अगर लेफ्ट आर्म क्या है लार्ज एरिया राइट आर्म नो रिएक्शन ठीक है मतलब यहाँ पे एरिया अगर बढ़ रहा है लेफ्ट आर्म का ए लेफ्ट आर्म में नो रिएक्शन दैन नॉट एम्यून आपका एम्यूनोलॉजी नहीं होगा नो रिएक्शन नो रिएक्शन इम्यूनिटी है ठीक है मतलब रिजल्ट क्या है आपका इम्यून सिस्टम है ठीक है ठीक है फिर क्या है लार्ज एरिया स्मॉल एरिया नाइट इम्यून स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया स्यूडो एम्यून ठीक है तो सीडो इम्यून मतलब क्या है आपको फिर से री रिक्गजामाइन करना पड़ेगा वहाँ को आपको पहचान नहीं इम्यून और नॉन इम्यून इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा उसको हम सीडो इम्यून यहाँ पे बोल दिए ठीक है उसको हम ए वन वीक के बाद फर्दर उसको एग्जामिन करेंगे ट्यूबर कुलिन टेस्ट क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्यूबर कुलिन पी डी पी प्योरीफाइड प्रोटीन डिस्ट डेरेवेटिव तो इसमें प्रिपरेशन कैसे करोगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस ग्रोनिंग लिक्विड मीडियम फाइव परसेंट वेट बाई वैलूम ग्लिसरीन एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर सिक्स वीक ठीक है तो प्रेपरेशन कैसे माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबर क्लोसिस सबसे पहले ग्रो करोगे लिक्विड मीडियम में ठीक है एट कत्ते टेम्परेचर पे थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस फॉर सिक्स वीक ठीक है फिल्टर टू रिमूव बैक्टीरिया उसको फिल्टर करोगे ठीक है और क्या करोगे बैक्टीरिया को रिमूव करोगे अल्ट्रा फिल्टर टू रिमूव ग्लिसरीन एंड मिनरल एसिड ठीक है फिर क्या है अल्ट्रा फिल्टर टू रिमूव ग्लिसरीन एंड मिनरल मतलब फर्दर उसको थोड़ा माइनोट फिल्टर पेपर से आप उसको फिल्टर करोगे कि इसको रिमूव करने के लिए ग्लिसरीन एंड मिनरल एसिड्स ठीक है फिर क्या ऐड अमोनियम सल्फेट टू हमें एड अमोनियम सल्फेट टू पी पी टी प्रोटीन कन्वर्टेड टू स्टराइल फ्रीज पाउडर ठीक है हाइपोडर्मिक सोलूशन टेबलेट्स एंड पैक्ड इन ग्लास कंटेनर सील्ड ठीक है क्या है उसमें हम अमोनियम सल्फेट डालेंगे टू पीपीटी पी मतलब प्रेसिपिटेट वो प्रोटीन्स जो है आपकी प्रेसिपिटेट हो जाएगी और कन्वर्टेड टू तो स्ट्राइल फ्रीज पाउडर फ्री ठीक है फ्रीज पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है एंड फिर क्या है उसको हाइपोडर्मिक सोल्यूशन टेबलेट पैक्ड इनटू ग्लास कंटेनर सील ठीक है जो भी आपको सोल्यूशन जिसमें भी जैसे ग्लास कंटेनर ने लिखा है ठीक है उसको क्या है उसमें हम रखेंगे और उसको सील कर देंगे ठीक है फिर क्या है ट्यूबर कुलिन टेस्ट ट्यूबर कुलिन को हम माइन्टोस टेस्ट भी बोलते हैं फाइव एम एल ट्यूबर कुलिन यूनिट इंजेक्टेड बाई इंटर रूट ठीक है आफ्टर फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स ठीक है तो, तो ट्यूबरकुल यूनिट इसमें इंजेक्ट की जाती है कितना अमाउंट लिया जाता है फाइव एम एल इंटर रूट से कितने टाइम के बाद फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स के बाद ठीक है इंजेक्टेड साइट इज ऑब्जर्व एज रेस्ट एरिया ठीक है फिर क्या साइज है इरिद्मा एंड रिजल्ट ठीक है तो इसमें क्या है टेन एम एम आर मोड पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फेक्शन्स तो इसमें साइज़ हम मेजर करते हैं ठीक है इसको एरिद्मा यहाँ पे बोल दिया रेस्ट एरिया को अगर फाइव टू नाइन है तो डाउटफुल है तो लेस देन फाइव में तो निगेटिव है ठीक तो है तो ये कुछ टेस्टेज है तो यहाँ पे आपका पूरा ये टॉपिक खत्म होता है हैजिकल एमोलोलॉजिकल प्रिपरेशन ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ओके अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फर्दर आप क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है